रंजिता मैम, गुड। रंजिता मैम को फुल फ्रेम में मत डालना क्योंकि इनका पर्दा और मेरे कपड़े सेम सेम लग रहे हैं। रंजिता मैम गुड आफ्टरनून, क्या करते हो आप रायपुर में और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो? ये जानवी डायरेक्टर साहब ऐसा कर रहे हो ना मेरे साथ? सर बुटीक है मेरा एक, है ना। अरे वाह, और ये आपके पर्दे का कॉम्बो है ना, काफी तक मेरे सूट के कॉम्बो से मैच हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था मत दिखाओ इनको फुल फ्रेम में। खैर रंजिता मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर स्टॉक मार्केट से तो इसी साल से जुड़ी हूँ। हाँ, और बाकी म्यूचुअल फंड वगैरह में 3-4 साल से कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट। बाकी स्टॉक में इसी साल से कर रही हूँ। और ये एक क्यों आए म्यूचुअल फंड्स के रूट में, कर तो रहते अच्छा खासा, क्यों आए स्टॉक मार्केट डायरेक्टली? खुद की कुछ स्टडी वडी कर ली थी इस बीच में, कंफर्ट बढ़ गया था स्टॉक मार्केट से? ऐसा था क्या? स्टडी भी किया था मैंने, और फिर थोड़ा सा करना था इन्वेस्टमेंट, ऐसे आए। हाँ नहीं ठीक है, कंफर्ट बढ़ गया था इस बीच, तो बढ़िया। रंजिता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 141 शेयर है एट द रेट ऑफ 277 हिंदुस्तान कॉपर है। तो इसको क्या करना है सर, कितनी देर होल्ड करना है, मतलब मैं रख सकती हूँ लॉन्ग टाइम? आपने लिया लंबी अवधि के लिए ही था जब भी लिया था? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और क्या मूव्स गजब के हिंदुस्तान पूरे मेटल एज अ स्पेस में, बहुत सही समय पे पकड़ा आपने। राजेश सर ये मोमेंटम कितना और तूल पकड़ेगा, कब मुनाफा बांधना है, हमें कैसे अप्रोच करना है? रंजिता मैम को 100-125 रुपए पर स्टॉक का गेन तो बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए बहुत महीनों या बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान कॉपर ने ऐसा मूव किया, बावजूद इसके के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे। जो कॉपर की डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सरकारी कैपेक्स के कारण से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कॉपर स्मेल्टर भी इनके बड़े हैं, कैपेक्स अच्छा कर रहे हैं, और एलईबी में भी अगर प्राइसेस देखेंगे तो इस वक्त तेजी में है। मैं समझता हूँ इस वक्त इन्हें बने रहने चाहिए। 430-440 तक जब आता है तो वहां पर पार्शल प्रॉफिट बुक कर ले, और पार्शली में ये बनी रहे। तो 430-440 का पहला टारगेट है, वहां पे इन्हें पार्शल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। एक सवाल घूम रहा है रंजिता मैम, ये बुटीक में कपड़े आप खुद ही बना के रखते हो या कहीं से सोर्स करके लाके बेचते हो? मैन्युफैक्चरर है मेरे, तो उनके पास से मैं सप्लाई रहता है मेरे। और कैसा बाजार है रायपुर का? बहुत बढ़िया बाजार है क्या? बहुत बढ़िया बाजार है सर, मतलब अच्छा है। राजेश सर चलेंगे फिर अपन? मैं अरे तो मैं तो पोस्ट रिटायरमेंट बात कर रहा था, बाजार अच्छा है तो। नहीं नहीं मैं तो बिलासपुर का ही हूँ, तो मैं रायपुर को आता ही। अरे वाह यस, अच्छा लौटता हूँ आप लोगों के पास, मैं दिल्ली जा रहा हूँ पहले रेणु जैन मैम के पास। रेणु मैम गुड आफ्टरनून। रेणु मैम गुड आफ्टरनून सर। रेणु मैम क्या करते हो आप दिल्ली में, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं बैंक से रिटायर हुई हूँ, 2 ईयर्स से शेयर बाजार से जुड़ी हूँ। अरे वाह, तो रिटायरमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए बेस्ट टाइम था, बेस्ट तरीका था शेयर बाजार। तो बैंक में तो मैंने पहले से करते थे थोड़ा बहुत, फिर मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी।